नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप ही YouTube चैनल ऑनलाइन सच में। दोस्तों सभी भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों जिनके भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास KCC कार्ड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपने जो कर्जा लिया था किसान क्रेडिट कार्ड पे, वो कितना सरकार के द्वारा माफ किया जा चुका है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों 2020 की नई लिस्ट जारी हो गई है, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया कि सरकार की तरफ से कितना कर्जा आपका माफ हो चुका है, तो आज की वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो आप पूरी देखेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आज जब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लेके बताऊंगा कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो कर्ज लिया था सरकार से वो माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना माफ हुआ है, कितने लाख रुपए तक का आपका कर्जा माफ हो चुका है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने बनवा रखा है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपने जो लोन लिया है वो माफ हुआ है कि नहीं हुआ है, माफ हुआ है तो कितना माफ हुआ है, कितने लाख का लोन माफ हो चुका है, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये 2020 की नई लिस्ट जारी हो गई है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पे लिखा हुआ है योजना वर्ष, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम। तो आप किस सन का चेक करना चाहते हैं, आप 2018-19 का करना चाहते हैं या 19-20 का करना चाहते हैं? तो अगर आप 2019-20 का करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2019-20 पे सिलेक्ट कर लेना है। उस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपके बैंक का नाम है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने बैंक का नाम एंटर करना है, जो भी आपके बैंक का नाम हो वो दोस्तों यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम एंटर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपने जो बैंक है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आया आपका ब्रांच का नाम, यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके ब्रांच का नाम हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आया आपके पैक्स का नाम, पैक्स का आपका जो भी नाम हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं यहां पे अपने पैक्स का नाम सेलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो कर्जा लिया था, आपने जो लोन लिया था, वो कितना माफ हो चुका है सरकार की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम है, आपका कृषक श्रेणी है, आप सीमांत वाले हैं, आप लघु वाले हैं, जो भी है, यहाँ पे आपके ऋण का प्रकार है, आपने लघु लोन लिया था कि शॉर्ट लोन लिया था कि आपने दीर्घ लोन लिया था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन लोगों का इतना कर्जा माफ हो चुका है, ये देखिए इनका दोस्तों इतना कर्जा माफ हो चुका है, इनका इतना हो चुका है, इनका इतना हो चुका है, इतना, मतलब देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के कर्जे माफ हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कर्जा माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप मेरे दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।